दर्शकों को स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिनभर की खास खबर। जीवन दायनी पुण्य सलिला में बढ़ रहा है जल स्तर, बेतवा है पूरी तरह उफान पर, बेतवा ने लिया रौद्र रूप। सरौंज तहसील की ग्राम पथरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत 13 वर्षीय नाबालिग के साथ हुआ दुराचार, हुई गर्भवती, 5 आरोपियों ने किया था सामूहिक दुष्कर्म। और सम्राट अशोक सागर हलाली बांध हुआ लबालब, हलाली बांध के खोले 2 गेट, डैम का छरछरा हुआ प्रारंभ। कलेक्ट्रेट के सभागार में शुक्रवार की शाम को राजस्व संबंधी महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य की उपस्थिति में राजस्व अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस कप्तान दीपक कुमार शुक्ला ने 115 के लगभग मोबाइल, जो कि या तो चोरी हो गए थे या गुम हो गए थे, जिनकी कीमत लगभग 22 लाख रुपए बताई गई है। एसपी ने मोबाइल मालिकों से संपर्क कर उन्हें एक एक कर मोबाइल सौंपे। गुम हुए मोबाइल मिलने पर लोगों के चेहरे लुढ़के। तुम्हारा मोबाइल नहीं, तुम इधर आ जाओ। मोबाइल वाला नाम जिले में लोगों के खोए हुए मोबाइल फोन ढूंढ के उनको वापस करने का एक अभियान हमने चालू किया है। और इस अभियान में आज हमारी एक चौथी सीरीज है, जिसमें आज हमने कुल 114 मोबाइल, जिनकी कीमत लगभग 22 लाख रुपए है, ढूंढ के लोगों को वापस किए हैं। यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हमने छोटा सा आयोजन करके लोगों को ये सुपुर्दगी की है यहाँ पर। और अब तक कुल 4 सीरीज में हम जिले में 320 मोबाइल फोन, जिनकी कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा है, वो लोगों को वापस कर चुके हैं। पहली सीरीज जब हमने पिछले साल शुरू की थी तो उसमें 50 मोबाइल, उसके बाद 70 मोबाइल, फिर 86 मोबाइल और आज 114 मोबाइल हमने लोगों को लौटाए हैं। तो इसी तरह से जो भी हमारे पास शिकायतें आवेदन आते हैं मोबाइल घूमने के, खोने के, उनको लगातार हमारी साइबर की टीम, हमारे वीरेंद्र पाल इसके प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में काम कर रही है और लगातार हमारा प्रयास है कि लोगों को उनके खोए मोबाइल फोन के वापस कराए जा सके। SETI कॉलेज प्रांगण स्थित सेंट्रल बैंक और आसपास की दुकानों में बारिश का पानी भरा जाने से मुश्किलें पैदा हो रही थी। नगरपालिका प्रशासन द्वारा जनरेटर के माध्यम से पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था की गई। हसनाबाद डावर पंचायत क्षेत्र के लगभग 25 से 30 घरों में बारिश का पानी भरा जाने से रहवासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली विद्यार्थियों को भी मुश्किलें पैदा हो रही है। वहीं खेतों में पानी का भराव होने से किसान भी परेशान है।
मेरा नाम राहुल कुशवाहा है, मैं इधर ही हसनाबाद में रहता हूँ। क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पर रोड और बिजली की बड़ी समस्या है। यहाँ पर रोड पे बिल्कुल बच्चे गिर जाते हैं और निकल नहीं पा रहे हैं, बांध निकालने में समस्या आ रही। ये ऊपर वाली जगह से आ रहा है, खेतों में से और कॉलोनी में। शिकायत नहीं करी आपने? शिकायत पहले करी थी, बोलने लगे फंड मंड नहीं है। मेरा नाम सुनीता रेगवार है, मैं ग्राम हसनाबाद में रहती हूँ। यहाँ पर क्या समस्या है? यहाँ पे बहुत समस्या है, पानी रोड पे पानी बह रहा है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आने जाने में दिक्कत होती है। पानी कहाँ से आ रहा है? पानी खेतों में से आ रहा है ऊपर। तो यहाँ पर जो सरपंच है उनकी शिकायत की आपने? उनसे बोलते हैं, शिकायत नहीं की हमने कभी। पानी रुक क्यों रहा है आप? पानी बीच में आके रोक बीच में ये कॉलोनी में कॉलोनी काट दी गई है, मकान बन गए हैं बीच बीच में। जहाँ से पानी बहता था, बहाव था, वहाँ पे कॉलोनी कट गई है, पूरा हो गया है। तो पानी घरों में यार, कितने घर प्रभावित हो रहे हैं? कम से कम 20-25 घर प्रभावित हो रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो स्कूल है वो बच्चे कैसे जा रहे हैं? बच्चे गिर जाते हैं, बैग भीग जाता है, बुके बेचारे बच्चे परेशान होते हैं, बैग और पूरा पानी भर जाता है, घुटने घुटने पानी, माएं गिर जाती है, छोड़ने आती है, बच्चे भी गिर जाते हैं, बहुत बच्चे परेशान हैं यहाँ पे। बच्चों को सुनीता जी, ये रोड किसने वादा किया था बनवाने का आपसे? पाकिस्तान में विधायक जी आए थे। फिर क्या कह रहे थे विधायक जी? इल्ला के डरवा दे, मगर उन्हें डरवा ही नहीं। कब से परेशान हो रही हैं आप लोग? लग दिन से हो रहा है। हम तो लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदी तालाब और डैम पानी से लबालब हो गए हैं। ऊपरी क्षेत्र के बांधों के गेट भी खोल दिए गए हैं। वहीं जीवनदायिनी पुण्य सलीला में भी तो पूरी तरह उफान पर है। सुरक्षा की दृष्टि से कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जीवनदायिनी माँ बेतवा में लगातार जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। बेतवा पूरी तरह उफान पर है। बेतवा के बीचों बीच स्थित चरण तीर्थ शिव मंदिर आधे से ज़्यादा पानी में डूबे हैं। बेतवा में बहाव तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। बेतवा की सभी घाट पानी की चपेट में है। वहीं मुक्तिधाम का मुख्य द्वार भी आधा पानी में डूब गया है। बेतवा का विहंगम दृश्य देखिए आप। बेतवा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। सुरक्षा की दृष्टि से होमगार्ड की टीम भी तैनात है। बेतवा पूरी तरह उफान पर है। जी क्या नाम है आपका और ये जो नदी उफान पर चल रही है, कितने उफान पर है और क्या स्थिति है? जी मेरा नाम है संजीव तिवारी, मैं चमत्कारी हनुमान मंदिर का पुजारी हूँ। वर्तमान समय अधिक जाई देता हूँ। बेतवा जी बहुत भव्य रूप में चल रही है, बारिश भी हो रही है। श्रावण मास के करीब अच्छी बारिश हो रही है, लाभदायक है और नदी भी तेज गति से चल रही है। कृपया सभी से निवेदन है, सुरक्षा करें। घाटों पे गाय बैल जे बछड़ा जे आवारा पशु बहुत फिर रहे हैं। कितनी क्या नदी कितनी क्या फिट पड़ रही है? आ चुकी है लगभग लगभग नदी छोटे पुल से 2-3 फिट ऊपर। हाँ, हमारा छोटा पुल था उससे 2-3 फिट ऊपर चल रही है। अच्छा, और बहुत तेज गति से नदी चल रही है। कितने घंटों में ये लगभग पानी बढ़ चुका है और पहले कितने थी? प्रति घंटा वो तो जो मान लो रात के 12 बजे से देख रहे हैं, बहुत स्पीड में
मतलब एक घंटे में 2 फीट पानी बढ़ा। आसपास के कितने क्षेत्र हैं ऐसे जो निचली निचले स्तर में? क्षेत्र तो पूरा ही है जी हमारा, बैसनगर नदी से रंगाई से लेके जी मान लो के चरण तीरथ तक की स्थिति बहुत। जी क्या नाम है आपका? गजेंद्र बघेल जी। आप वेतवा नदी पर घूमने आए थे, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? वेतवा का रुद्र रूप देखने ही आए थे। कितने क्या फिट लगभग ऊपर चल रही है? काफ़ी पानी बढ़ चुका है। सुनने में आया है कि हलाली का जो गेट है वो खुल चुके हैं, इसलिए ये पानी का ज़्यादा बहाव आ रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से सभी लोग नदी से अभी दूर रहें तो अच्छा है। और क्या स्थिति है यहाँ के आसपास के इलाकों की? जो अब रेगुलर बारिश हो रही है इससे तो क्या स्थिति अभी ख़राब ही होती जा रही है, नेचुरल स्थिति बारिश बंद होने के बाद ही रहेगी। क्या स्थिति देखने को मिल रही है विदिशा में यहाँ पे बेतवा नदी का, क्या जलस्तर बढ़ा हुआ है? जलस्तर में सैनिक 235 बीरेन सिंह रघुवंशी कमांडेंट महोदय के आदेश से चौकी पे तैनात हूँ। कल कालिया सोध के सुबह 6 बजे 8 गेट खोले गए थे, शाम को 4 बजे बदबला के 4 गेट खोले गए हैं, जिससे बेतवा का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। रात को 12 बजे से 1.5 फीट के करीब अभी धीरे धीरे बढ़ी है। क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए? सुरक्षा इंतजाम हमारी 1-4 की गाड़ियाँ तैनात है और सभी लाइफ बॉय लाइफ जैकेट अपनी नाव में इंजन के उपलब्ध है, जहाँ पे और आवश्यकता पड़ती है तो हमारा रिजर्व फोर्स जो ऑफिस में बैठा है उसको तत्काल प्रभाव से बुला लिया जाएगा। लगातार हो रही बारिश और डैमों को विदिशा जिले में बारिश निरंतर बढ़ रही है और बाढ़ आपदा के सभी इंतजाम अच्छी तरह से किए गए हैं और विशेषकर बाढ़ की स्थिति विदिशा शहर में और जो हमारी मुख्य नदियां हैं विशेषकर बेतवा नदी उसके आसपास के गांवों में बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है उसकी पर्याप्त तैयारियां की गई हैं और वर्तमान में भोपाल के जो बड़े बांध हैं उनसे भी पानी छोड़ा जा रहा है। हमने अपने स्तर पर एक समन्वय का सिस्टम बनाया हुआ है, जब भी भोपाल से पानी रिलीज़ किया जाता है तो उसकी पूर्व सूचना विदिशा जिले में हमें प्राप्त होती है और हमारी जो पूर्व तैयारियां हैं उसके मुताबिक जो जलभराव वाले क्षेत्र हैं उसमें हम लोगों को आगाह करते हैं। आज की स्थिति में अभी भी बेतवा नदी जो खतरे के निशान से करीब 15 फीट नीचे उसका बहाव है, तो वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कोई जलभराव की स्थिति निर्मित हो। शहर में जहाँ कहीं जलभराव की स्थिति निर्मित हो रही थी वहाँ पर भी मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से भ्रमण करके नालों की साफ़ सफाई और जहाँ पानी की निकासी अवरुद्ध हो रही थी उसे भी निकालने का काम हमने किया है और अभी स्थिति पूरे ज़िले में पूरी तरह से नियंत्रित है। हलाली डैम एक्चुअली उसका जो जलभराव क्षेत्र है वो हमारे यहाँ पर जो इरीगेशन वाला पार्ट है वो है और करीब 12 से 15 गांव ऐसे हैं जो उस क्षेत्र में पड़ते हैं। आज उसके जो गेट खोले गए हैं उसकी उन गांवों में मैंने आपको उसकी सूचना दे दी गई है और गांवों में कोई ऐसी जलभराव की स्थिति नहीं है क्योंकि वो सावधानीपूर्वक और एक निश्चित मात्रा में जो पानी है उसको छोड़ा जाता है। उसका एक प्रोटोकॉल है पूरा, सिंचाई विभाग के अधिकारी और हमारे यहाँ के जो पूरे बाढ़ नियंत्रण कक्ष हैं वो आपसी समन्वय के साथ में काम करते हैं। कटनी शहडोल से बड़ी संख्या में मजदूर धान की फसल रोपने के लिए कोरवाई तहसील में आए थे, जहां उन्होंने मेहनत की। किसान द्वारा मजदूरी की राशि नहीं दी जा रही। परेशान मजदूर जो कि भूखे प्यासे हैं उन्हें जिला मुख्यालय में उदय सिंह हजारी द्वारा भोजन पानी की व्यवस्था कराई गई। मजदूरों को न्याय दिलाने की बात भी कही है। कुछ मजदूर आए हुए थे जिनको भुगतान नहीं हुआ था धान की गड़ा लगा, तो उनके लिए अपन यहां पर आए थे, उनके लिए अपन किस तरह की व्यवस्था की कलेक्टर के माध्यम से आपके माध्यम से? देखिए ये कुछ शहडोल जिले के मजदूर आए हुए हैं जिले में और कुरवाई में ये धान रोपने का काम कर रहे हैं। ये किसी कृषक क्या इन्होंने धान रोपी है, मजदूरी की है, इनको प्रॉपर जो मजदूरी मिलना चाहिए था जो उचित वो नहीं मिली, तो उससे ये दुखित होकर यहाँ कलेक्टर कार्यालय आए हैं। क्योंकि आज अवकाश है
तो कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि दो दिन से भोजन नहीं किया इन्होंने, तो उनकी भोजन प्रसादी आदि की व्यवस्था की गई है और जो भी इनकी नेसेसिटी है, जो भी ज़रूरत है वो करेंगे। शमसाबाद में लगातार बारिश के चलते संजय सागर बांध का एक गेट और खोलना पड़ा। इससे पहले बांध के दो गेट और खोले जा चुके हैं। दो दिन में संजय सागर बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कि पानी का फ्लो लगातार बढ़ रहा है। लगातार एक एक करके गेट खोले जा रहे हैं ताकि बांध की वाटर लेवल को मेंटेन किया जा सके। वहीं एहतियात के तौर पर सायरन बजाकर निचली बस्तियों को अलर्ट भी कर दिया जा रहा है। संजय सागर परियोजना के SDO राजेंद्र कौशल ने बताया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार अभी तक 55% अधिक बांध भर चुका है। इस बार अच्छी बारिश होने से हम आगे आने वाली फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करा सकेंगे। वहीं पानी की फ्लो पर लगातार नज़र रखी जा रही है, आवश्यकता पड़ने पर और भी गेट खोले जा सकते हैं। मैं अपना संजय सागर डैम का जो लेवल है 447.00 हो चुका है और 71% भर गया है। अभी इसमें दो गेट 80-80 सेंटीमीटर खोले गए हैं और एक गेट 60 सेंटीमीटर खुला हुआ है। इस तरह से तीन गेट वर्तमान में खुले हुए हैं, जिनसे 280 क्यूमेक्स पानी अपन रिलीज कर रहे हैं, जबकि इसमें जो इनफ्लो आ रहा है वो लगभग 275 क्यूमेक्स आ रहा है। यदि हम बात करें पिछली साल की आज की तारीख की, क्या स्थिति थी पहले और आज में? पिछली साल ये डैम 20% भरा था, मात्र 443.5 के लेवल तक भर पाया था और 20% पानी था। आज की तारीख में पिछले साल से 50% पानी ज़्यादा भरा हुआ है और 70% है आज की तारीख। यदि पानी की स्थिति तेज हो जाती है तो निचली बस्तियों में ऐसी कोई व्यवस्था की है ताकि अलर्ट हो और वो कोई भी अनहोनी से बच सके? नहीं, बराबर यहाँ पे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट सब लगे हुए हैं उनको SDM को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, तहसीलदार को, CO को, ऐसे ही बरसिए क्षेत्र के वालों को भी इन्फॉर्म कर देते, मैसेज भेज देते हैं, वो अपने निचले स्टाफ को मैसेज कर देते हैं और जगह जगह सेक्रेटरी और पटवारी लोग वहाँ मैसेज गांव में कर देते, जिससे सबके बचाव चल रहा है। विदिशा जिले के प्रमुख बांध सम्राट अशोक सागर, जिसे हलाली डैम के नाम से जाना जाता है, डैम में 80% पानी भरने के बाद आज दोपहर 2 बजे उसके गेट खोल दिए गए, जिससे हलाली बांध का छरछरा भी प्रारंभ हो गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में विदिशा, भोपाल और आसपास के अन्य जगहों से सैलानी पहुंचे। बता दें कि हलाली बांध में पहले गेट नहीं थे, पानी ओवरफ्लो होने के साथ छरछरा के माध्यम से बह जाता था, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे। जल संसाधन विभाग द्वारा इस साल यहां गेट लगाकर डैम की क्षमता भी बढ़ाई गई है। 80% भरने के बाद गेट खोले गए हैं। ये आपका हलाली डैम, इसके दोनों शटर ओपन हो चुके हैं सारी शुभकामनाओं के साथ। वेरी गुड फॉल बन रहा है ये, देखिए नज़ारा लाइव दिखा रहे हैं आपको। कौन से पत्ते हैं? मैं BK बागुलिया, अनुभागीय अधिकारी सम्राट अशोक सागर, मुख्यालय। सर आज डैम के बांध खोले गए, कितने खोले गए? आज हमने जो है बांध के जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए, जो हमारे जो है दूर क्षेत्र के किसान हैं उनके यहाँ खेतों में पानी ना भरे, इस उद्देश्य से हमने जो है 2 गेट खोले हैं और दोनों गेट आधा आधा मीटर, कुल 1 मीटर गेट खोले गए हैं, जिसमें 70 क्यूमिक पानी प्रवाहित किया जा रहा है हलाली में। सर अभी तक हलाली में कितना पानी हो गया? जाने भी अभी हलाली में जो है हमारे यहाँ 78% पानी था। हाँ। जो निर्धारित क्षमता है 75% 15 अगस्त तक रखने की। हाँ। उसको नियंत्रित करने के लिए ये गेट खुले गए। अभी और पानी बढ़ सकता है ये? हाँ, और पानी बढ़ रहा है, पानी बहुत कम हो रहा है।
भोपाल से जो है जो पात्रा का इंटरव्यू है मैंने इसमें वो आ रहा है, जिस वजह से पानी की आवक बढ़ रही है। सर कितने और गेट खुलेंगे सर अभी अगर पानी बढ़े? अभी जैसे जैसे पानी की आवक बढ़ती जाएगी उस हिसाब से जो गेटों को खुला जाएगा। जिले के सरौंज तहसील के अंतर्गत पथरिया थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया है, जहां पर 13 वर्षीय किशोरी को स्कूल जाने के दौरान 5 उम्रदराज आरोपियों द्वारा जबरदस्ती पकड़कर उसके साथ दुराचार किया गया था। जून माह में किशोरी जब 6 माह की गर्भ से थी तब परिवार को इसके बारे में जानकारी लगी और पुलिस में इसकी शिकायत की गई। मामला गंभीर देख पुलिस ने 4 आरोपी अंसार पन्नालाल प्रसादी लाल को गिरफ्तार कर लिया। बाबूलाल और घनश्याम फरार चल रहे थे। करीब 1 महीने पहले बाबूलाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान गुरुवार देर रात किशोरी को प्रसव पीड़ा होने पर विदिशा जिला अस्पताल के प्रसूति वार्ड में भर्ती कराया गया और मीडिया के सामने मामला आया, तब पुलिस ने शुक्रवार शाम को 5वें आरोपी घनश्याम को भी गिरफ्तार कर लिया है। SDOP सरौंज मनीष राय ने दी जानकारी। दिनांक 21/6/2024 को एक बच्ची अपने पिता और माता के साथ में थाना पथरिया में आई थी कि उससे उसके साथ जो है 6 माह पूर्व के साथ में बारी बारी से बलात्कार किया था, जिसके कारण वह 6 माह की गर्भवती हो गई। उस स्थिति में जो है 376 और 376D और पॉक्सो की जो धाराएं हैं उसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया था। इसमें आरोपी तत्समय ही अंसार है, एक प्रसादी है, एक बाबूलाल है और एक पन्ना करके है, ये गिरफ्तार हो गए थे उसी दिनांक को और उन्हें जेल भेजा गया था। बच्ची की स्थिति क्या है? अभी मुझे जानकारी लगी है कि बच्ची की साइड डिलीवरी की स्थिति है। उस समय जब ये आए थे तब वो 13 साल 11 माह की थी और उस समय 6 माह का गर्भ था। आरोपी द्वारा जो दुष्कृत किया गया एक बार ही किया गया वहाँ पर या उससे पूर्व भी उनको उसको मतलब दबाया जाता था बाद में दुष्कृत? FIR के अनुसार जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे उसके हिसाब से बारी बारी से एक बार ही करना बताया। सितंबर 2021 में कोतवाली पुलिस में एक युवती द्वारा अरवाज ने अपना नाम बदलकर अमित रखा और इस युवती को बरगलाया। जैसे ही नाम का खुलासा हुआ और वास्तविक नाम सामने आया तब युवती ने थाने में छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अपर लोक अभियोजक धूप सिंह तोमर द्वारा इस मामले में शासन की ओर से पैरवी की गई, जिसमें आज द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रदीप दुबे ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत की साक्ष्य और अपर लोक अभियोजक धूप सिंह तोमर की जरा से संतुष्ट होकर आरोपी अरवाज को अलग अलग धाराओं में 3-3 साल की सजा और 60,000 रुपये की अर्थदंड से दंडित किया है। बताया गया कि धार्मिक स्वतंत्रता की धारा के तहत कार्रवाई की गई है, साथ ही छेड़छाड़ अन्य धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है। क्या मामला आज किस मामले में आज जो है कार्रवाई की गई है और कितनी कार्रवाई की हुई है? ये मामला 17/9/2021 का है, जिसमें धर्म छिपाकर अभियोत्री पर शादी करने का दबाव बनाकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री प्रदीप दुबे जी द्वारा 3 साल के कठोर कारावास और 60,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। घटना इस प्रकार है कि माह जून 2020 से अभियोत्री जब भी अपने घर से बाहर जाती थी तो अभियुक्त अरवाज अभियोत्री को पीछा कर उसे परेशान करता था। आरोपी अरवाज द्वारा अभियोत्री का मोबाइल नंबर कहीं से प्राप्त कर अभियोत्री से मोबाइल पर बात कर अपना नाम अमित बताकर उससे शादी करने का दबाव बनाता था। अभियोत्री बात नहीं करती थी तो अभियोत्री को व उसके घर वालों को जान से खत्म करने की धमकी देकर उसे बात करने के लिए मजबूर करता था। अभियोत्री को जब आरोपी का वास्तविक नाम अरवाज खान जानकारी मिली तो अभियोत्री ने उससे बात करना बंद कर दिया। एक दिन अभियोत्री जब घर से बाहर निकली तो अभियुक्त अरवाज ने उसका हाथ बुरी नियत से पकड़कर खींचा और कहने लगा, तुम बात क्यों नहीं करती हो? अभियोत्री ने बात करने से मना कर अपना हाथ छुड़ाकर भाग गई। फिर भी आरोपी अभियोत्री पर धर्म परिवर्तन कर उसके साथ शादी करने का दबाव बनाते हुए उसे परेशान करने लगा। तब अभियोत्री ने सारी घटना अपने भाई को बताई और दिनांक 17/9/21 को एक शिकायती आवेदन कोतवाली विदिशा को दिया गया। विदिशा कोतवाली द्वारा आरोपी अरवाज खान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354A,
354D 506 एवं मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। प्रकरण माननीय द्वितीय प्रसत न्यायाधीश श्री प्रदीप दुबे जी के न्यायालय में विचारण हेतु प्राप्त हुआ। विचारण के दौरान मेरे द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज एवं अपने तथ्यों से घटना को प्रमाणित किया। न्यायालय द्वारा घटना प्रमाणित पाते हुए आरोपी अरबाज हसन अंसारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड एवं धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3/5 के अंतर्गत 3 वर्ष का कठोर कारावास तथा 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से मेरे द्वारा इसमें पैरवी की गई। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि से एमटी न्यूज़। नमस्कार।